नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतोड़ी ब्लॉग्स, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से। तो आज यार काफ़ी अच्छी खासी धूप लगी हुई है, मतलब एकदम तेज़ धूप, एक भी बादल नहीं दिख रहे हैं आसमान में। वो सारे लई के जो पौधे हैं ना वो डाले हुए हैं, तो इनसे ऐसा लग रहा भाई कि कुछ तो मांडे हुए हैं, कुछ नहीं मांडे, मांडे मतलब जो पैर से इनको मांडा जाता है। तो उसके बाद भाई इनसे ये जो सरसों के बीज हैं ये निकाले जाते हैं। तो अभी इनको मांडा नहीं है, कुछ को मांडा हुआ लग रहा है, कुछ को नहीं लग रहा है, मतलब दो तीन बार ऐसे मांडना तो पड़ता होगा जिससे कि साफ एकदम वो बीज ना सारे निकल जाएँ। और आजकल ये सफ़ेद फूल ना बहुत ज़्यादा खिलते हैं, पूरे रस्तों पर ना ऐसे ये फूल मिलेंगे यहाँ पर, और आजकल मतलब बहुत ज़्यादा खिलते हैं ये, पूरे गर्मियों तक ऐसे ही रहेंगे खिले हुए सफ़ेद फूल। दिन का समय हो रहा है और दिन के टाइम पे थोड़ा यहीं सर्वेस लोगों के साथ आज दिन भर बैठा हुआ था, खाना खाने के बाद मैं यहाँ आ गया था। सर्वेस अभी उसको नींद आ गई है, वो सो गया है, और भाई हम निकल गए हैं गांव की तरफ वीडियो बनाने के लिए। तो आज ना काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, तो आजकल आपको पता ही है दिन भी बड़े हो गए हैं, इसकी वजह से दिन में लोग सो जाते हैं आजकल, क्योंकि इतने लंबे दिन यार पूरे दिन भर कुछ काम ऐसा हो नहीं पाता है। हाँ, अगर आजकल नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है, इधर उधर घूमने चले गए तब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। यहाँ नहीं है, सिया लोग उठे हुए हैं, मैं सोची सिया वाला सोए हुए थे अभी। ये सिया और मयंग लोगों का घर है, और उनके बगल में ना यहाँ पे बहुत सारे ये केले के पेड़ हैं भाई, बहुत सारे। और ये देखिए इस पर ना केले भी आ रखे हैं, मतलब इसे कहते हैं केले, छोटे छोटे अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। सामने धूप है इसकी वजह से ना थोड़ा सा काला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जस्ट पीछे ना उसके जस्ट पीछे धूप है। तो यहाँ से अभी ये देखिए ये है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं केला, मतलब फूट गया, मतलब उसमें से ना केले, छोटे छोटे केले निकल गए हैं। तो अभी बहुत बड़े बड़े केले होते हैं गाँव की तरफ ना, इन फलों पे जो मार्केट के केले होते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं भाई, मतलब आप लगा दीजिए अगर मार्केट के तीन केले और गांव का एक केला घर का, तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े केले आते हैं इस पर। तो यहाँ पे बहुत सारे केले के पेड़ हैं ये। तो शादी के टाइम पे क्या हुआ था, यहीं से केले का जो पेड़ है ना वो जड़ सहित ले गए थे। जो केले का पेड़ मैं आपको दिखाता रहता हूँ, वहाँ पर हमारा खेत है, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर मैंने वो केले का पेड़ लगा रखा है। तो वही पेड़ था जो यहाँ से ले गए, और उसके बाद वो शादी में ले गए थे, और वहाँ से मैंने वहाँ लगाया था अपने खेत में। यहाँ पे सिया की चुटिया बनाई जा रही है, सिया की दादी चुटिया बना रही है। सिया आप ये बर्तनों को अंदर रखिएगी। नहीं 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 नहीं, काम तो करना ही पड़ता है। दादी मानन के ले, इतनी सारी छिपकलियां यहाँ पे, बहुत सारी छोटी छोटी छिपकलियां। कब छोटी, मैं तो अब नहीं, मैं तो पड़ी हुई हूं ना, आज मैं रात में आऊंगा एक बार के। यहाँ पे बगल में ना ये छत है, पटाली वाला छत, मतलब पत्थर वाला। तो यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी छिपकलियां आ जाती हैं, और सिटी मिस्टर सिटी मत्ती पितर दिया तो मुंगा। यहाँ पे सरसों को कूटा जा रहा है, और ये देखें मयंक और बुआ जी कूट रहे हैं भाई सरसों के जो पौधे हैं ना, अब इनसे सरसों के बीज निकाले जा रहे हैं। तो लई को कूट रहे हैं, सरसों को हमारे यहाँ लई कहते हैं। तो परसों आपने बुढ़ा जी को देखा था, वो पैर से मांड रहे थे। तो यहाँ पे वैसे जो लकड़ियाँ हैं ना इससे भी ऐसे मार के ऐसे भी निकल जाता है, जो सरसों है ना इसके बीज ऐसे भी निकलते हैं। कुछ लोग पैरों से भी मांडते हैं, मतलब पैरों से उनको मांड के उससे भी हो जाता है।
अब कुछ लोग जिनको थोड़ा सा पैरों पे दर्द वगैरह रहता है तो ऐसे लकड़ी का प्रयोग करके भी करते हैं, उन पौधों को कोटा जाता है। जैसे अभी यहाँ पे बुआ जी कोट रही है ना ऐसे लकड़ी से, तो बीज ना वहीं जड़ जाते हैं, बाकी कूड़ा कुछ उड़ जाता है। जैसे अभी तेज़ हवा चल रही है बहुत तेज़, तो ऐसे में फिर उसको ना ऊपर ऐसे हवा में उड़ा के, बीज थोड़ा सा भारी होते हैं तो बीज नीचे छूट जाते हैं, बाकी जो उनका कूड़ा होता है जो घास फूस होता है वो उड़ जाता है। इस समय घने बादल आ रहे हैं तो आसमान भी ख़राब होने लग गया है धीरे धीरे, और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है एक तो इसलिए बुआ जी लोग ना फटाफट इसको कूट रहे हैं ताकि बारिश आने से पहले इसको निपटाया जा सके यहाँ से। ऐसे तो आजकल मौसम का पता नहीं चलता है, लेकिन सर्वेस और मैंने प्लानिंग बनाई थी कि काफ़ी टाइम से ना हम कुंडी की तरफ घूमने नहीं गए हैं, यानी कि जो पारिया मांद्रा वाला एरिया है उस तरफ घूमने नहीं गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और हवा बहुत चल रही है आज, तो इस समय देखते हैं अभी चलते हैं कुंडी की तरफ, क्योंकि भाई सर्वेस अभी सो रखा है अंदर। तो ये सामने बादल दिख रहा है ना, ये बिल्कुल धूप के आगे आ रखा है, सारी धूप ख़त्म कर दी इसने, मज़ा ख़त्म कर दिया। अभी ठंड हो रही है क्योंकि हवा भी चल रही है भाई इस समय, वो देखिए कैसा दिखाई दे रहा है वहाँ पे। पारे मांद्रा की दुकान में घूम रहे हैं, मतलब दुकान के पास आ गए हैं पारे मांद्रा की। यहाँ पे जेसीबी खड़ा है, तो जेसीबी खड़ी है यहाँ पे। सर्वेस कह रहा भाई मैं भी सीखता हूँ, यहाँ पर ड्राइवर तो है नहीं, ये तो सर्वेस बैठ ही जाता है इसमें पहले हम बहुत बैठा करते थे ऐसे, जेसीबी वाले आते थे ट्रैक्टर वाले आते थे तो उनके पीछे ना, अभी भी जो छोटे बच्चे होंगे वो काफ़ी बैठते हैं तो उनको देख के ना थोड़ा बचपन की यादें आ ही जाती हैं। इन दोनों ना यहाँ कुंडी पे बैठे हुए थे और देखिए ऊपर से आसमान, भाई बड़ा ख़तरनाक सीन हो गया आसमान का, मतलब आजकल आसमान का यही सीन हो गया है भाई। थोड़ी देर कहीं पे अगर ऐसे थोड़ा सा घूमने भी जा रहे हैं तो अभी हम जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सामने से ऐसा लग रहा कि वहाँ देखिए वहाँ से ना बारिश आ रही है और बहुत काले बादल आ गए भाई। अब भी थोड़ी देर पहले ना धूप लगी हुई थी और अभी अचानक ही मौसम ना पूरा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए सर्वेसों में घर की तरफ जा रहे हैं। तो हम रहेंगे वहाँ ऊपर बैठे हुए, जो दाने के ऊपर प्रतीक्षालय है ना वहाँ पे बैठे रहेंगे, वहाँ पे ऐसा है कि बारिश से हम बच जाएंगे, अगर अचानक वाली बारिश आती है तो उससे बच जाएंगे, और थोड़ी ऐसा लगेगा हमें अगर ज़्यादा बारिश होने वाली है तो फटाफट से वहाँ से नीचे सर्वेस लोगों के घर में चले जाएंगे। अभी हम यहाँ दाने के ऊपर तो आ गए थे, मतलब यहाँ सड़क में आ गए थे अपने गांव के ऊपर, और इस समय ना मौसम और भी ज़्यादा ज़बरदस्त ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा सा मौसम को देखते हुए भाई हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर भीग के कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से यहाँ क्या होता है ना यहाँ सड़क में बहुत तगड़ी वाली हवा चलती है, तो वैसी भाई ठंड बढ़ जाती है पहाड़ों में, आपको पता ही है। जैसी हल्की बारिश का मौसम हुआ और हल्की बारिश हुई, चाहे जून का महीना हो चाहे किसी भी टाइम का महीना हो, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए भाई हम नीचे घर की तरफ जा रहे हैं, कम से कम ठंड से बच जाएंगे और बारिश से बच जाएंगे। तो मौसम ना यार ये देखिए कैसे ना ये काले बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान में, सामने की तरफ अभी धूप दिखाई दे रही होगी आपको, वहाँ ना बारिश हो रही है असल में। अभी देखिए लग रहा है वहाँ पर लग ही रहा होगा आपको कि वहाँ पर ना बारिश हो रही है, काफ़ी तगड़ी वाली बारिश हो रही है उस साइड भी, तो अब धीरे धीरे बारिश ना इस ओर आने लगेगी, मतलब धीरे धीरे अब यहाँ भी होने लगेगी बारिश। तो ये देखिए हिस्सर का पौधा है और ये है भाई हिस्सर, तो अभी ये पकेगी नहीं, अभी ये पकेगी गर्मियों में, तो गर्मियों में तैयार हो जाएगी हिस्सर, उस टाइम पे खाएंगे भाई, अभी तो ये कच्ची है। तो कुछ ऐसी आती है भाई हिस्सर ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि हिस्सर आएगी। तो बहुत सारे ऐसे पौधे भी मौजूद होते हैं आसपास, ये है आड़ू का पेड़, इसमें आड़ू आएंगे, ये नींबू है इस पर आजकल फूल आए हुए हैं, तो इस पर भाई बड़े बड़े नींबू आते हैं। बुआ जी भी लकड़ियों को अंदर रख रही हैं, ये भीग जाएंगी तो फिर आग नहीं जल पाएगी, इसलिए कुछ लकड़ियों को रख रही होंगी बुआ जी अंदर ताकि इनको बाद में जलाने के काम ये आ सकें, नहीं तो भाई अभी बारिश हो सकती है तो ये भीग जाएंगी तो क्या फ़ायदा इनका। तो अभी यार जैकेट पहन लिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, नहीं तो भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है ना आज, ठंडी ठंडी हवाएँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी अभी, तो मैं फटाफट से जैकेट पहन नहीं आया था। वैसे अभी टाइम बहुत है, अभी ऐसा है 4:30 हो रही है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और आजकल आपको पता ही है भाई 6-7 बजे तक तो ऐसी मतलब अंधेरा आजकल होता नहीं है, दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं आजकल। और ये देखिए बूढ़ी जी भी आ गई हैं, घास लेके आई होंगी बूढ़ी, बारिश भी होने वाली है, तो बारिश को देखते हुए भाई सारे लोग घर की तरफ भाग रहे हैं इस समय।
और अभी बारिश बंद भी हो गई है, मतलब हल्की हल्की बूंदे तो गिरी है, लेकिन एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बारिश ना अभी बंद हो गई है। और ये देखिए कुछ ऐसा है भाई नज़ारा, अभी धूप तो है, अभी वैसे 6 बज गई है शाम की और हल्की हल्की बूंदे गिरी है इस समय। तो ऐसा लग रहा था यार बड़ी ज़बरदस्त बारिश होने वाली है, लेकिन थोड़ी देर काफ़ी मतलब तेज़ बारिश हुई है इस समय भी। और आजकल ना ऐसी इसी वजह से ना मौसम जब ऐसी ख़राब होता है ना तो भाई जल्दी निकलना पड़ता है कहीं से भी, इसलिए हम आजकल ज़्यादा जैसे मंदिरों में जा रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी माता के मंदिर में गए थे और राजराजेश्वरी माता के मंदिर में गए थे, तो मैंने वहाँ भी आपको उन वीडियोज़ में बताया था कि यार जल्दी निकलना पड़ेगा मौसम ख़राब होने से पहले, क्योंकि आजकल शाम का ना ऐसी सीन हो जाता है, शाम को मौसम ख़राब होता ही होता है और बारिश मतलब हो ही रही है लगभग हमेशा, मतलब 9-10 दिन से ना लगातार, अभी कल नहीं हुई थी बारिश और परसों नहीं हुई थी बारिश, बस 2 दिन छोड़ के बाकी ना हर दिन बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है, और आज भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है।